नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य अय्यंगार आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं द डार्क साइड ऑफ बाय नाउ पे लेटर इंडस्ट्री। आप सबने हर जगह वो एड्स देखे होंगे कि आप इसको गूगल पे की तरह यूज़ करो और उसके बाद पैसे 30 डेज में वापस लौटा दो। ये बस एक छोटा सा क्रेडिट कार्ड टाइप चीज़ है जो गूगल पे की तरह फंक्शन करता है, लेकिन इसके पीछे काफी डार्क सच है जिसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो चलिए फटाक से शुरू करते हैं। चलिए पहले समझ लेते हैं क्रेडिट कार्ड और BNPL में मेन फर्क क्या होता है। दोनों जो चीजें हैं वो क्रेडिट प्रोडक्ट्स है, यानी कि अगर आप क्रेडिट कार्ड से भी पैसे देते हो तो आप बैंक के पैसे खर्च कर रहे हो, ना कि आपके पैसे, और ये पैसे आप 30 से 45 दिनों बाद वापस रीपे कर देते हो। अगर आप रीपे नहीं करते तो क्रेडिट कार्ड कंपनी आप पे लेट फीस लगा सकती है, आप पे इंटरेस्ट लगा सकती है। क्रेडिट कार्ड कंपनीज आपको एक और ऑप्शन देती हैं कि अगर आपकी टोटल अमाउंट आपने खर्च की है 10,000 रुपये, तो आप 500 रुपये दे दो और बाकी के जो 9,500 रुपीज़ है उस पर इंटरेस्ट लगा लगा कर बाद में दे सकते हो। तो जब आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो, आपके क्रेडिट रिपोर्ट पर आपको क्लियरली दिखता है कि आपका क्रेडिट कार्ड है बाय से HDFC बैंक, कोटक बैंक और whatever। लेकिन BNPL के केस में आते हैं, यहाँ पर फंडा थोड़ा अलग होता है। अरेंजमेंट ऐसे होती है कि आप QR कोड स्कैन करते हो और पैसे दे देते हो, जस्ट लाइक गूगल पे। लेकिन यहाँ पर आप अपने पैसे नहीं दे रहे हो, किसी दूसरे बैंक के पैसे दे रहे हो, और यहाँ भी 15 से 30 दिनों के अंदर आपको ये पैसे पूरे वापस करने होते हैं। आप ये चीज़ इंटरेस्ट फ्री कर सकते हो। कहीं कहीं तो ऐसी भी अरेंजमेंट होती है कि आप 3 इंस्टॉलमेंट में दे दो ओवर 3 मंथ्स एंड आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। चलिए उस प्रॉब्लम की बात करते हैं। जब आप अपना क्रेडिट रिपोर्ट ओपन करते हो तो आपको ये जो BNPL सर्विस होती है, कहीं कहीं इसको पोस्टपेड सर्विस भी बोला जाता है, ये आपको एज अ पर्सनल लोन शो करेगी। और मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ। ऑलमोस्ट 1.5 साल पहले जब BNPL बहुत नया था, तब मैंने ओला मनी पोस्टपेड के सर्विस के लिए अप्लाई किया था, एंड ऑलमोस्ट 3 मंथ्स बाद जब मैंने अपने क्रेडिट रिपोर्ट पे एक पर्सनल लोन देखा, तब मुझे पता चला ये एग्जैक्टली क्या है। लेकिन अब आपको इसकी डार्क साइड और इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम बताता हूँ। देखिए, BNPL करंटली एक बहुत हॉट प्रोडक्ट है। देखिए, 2020 में BNPL 569% से ग्रो हुआ था एंड 2021 में 637% से। रेड सियर नाम की एक इंडियन कंसल्टेंसी है जो बोल रही है BNPL का मार्केट $3 बिलियन से $45 बिलियन पे ग्रो हो सकता है बाय 2026। लेकिन ये एक ऐसा मार्केट है जहां पे आप जो कंज्यूमर है इनको मिसलीड किया जा रहा है। जो मेरा लाइफ का फर्स्ट ब्रांड प्रमोशन था वो एक BNPL कंपनी के साथ ही था, और उस टाइम पे मुझे पता नहीं था इनका प्रोडक्ट एग्जैक्टली कैसे वर्क करता है। ये प्रमोशन मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा लर्निंग था जब मैंने इसमें इतने सारे रेड फ्लैग्स देखे। उस कंपनी ने मुझे बोला कि मैं कहीं भी इनके प्रोडक्ट को एक क्रेडिट कार्ड नहीं बोल सकता, मैं कहीं भी इनके प्रोडक्ट को पर्सनल लोन भी नहीं बोल सकता, वेराज इनफैक्ट ये प्रोडक्ट एक पर्सनल लोन था। जब क्रेडिट कार्ड कंपनी की बात आती है, अज्यूम कीजिए आपके पास HDFC बैंक का एक क्रेडिट कार्ड है, तो यहाँ पे जो आपके क्रेडिट कार्ड की क्रेडिट लिमिट होती है, समझो 20,000 रुपए, तो ये पूरे 20,000 रुपए जो है वो HDFC बैंक के जेब से आते हैं। HDFC बैंक की जो बैलेंस शीट है वहां पे आपको जो 20,000 रुपए दिए हैं वो शो करते हैं। दिस इज रियल मनी एंड HDFC बैंक ये रिस्क आपके हिसाब से लेता है। लेकिन BNPL के केस में ऐसा नहीं होता। एक BNPL कंपनी जो होती है वो किसी बैंक या किसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के साथ पार्टनर करती है और इनके साथ एक FLDG साइन करती है। FLDG का मतलब होता है फर्स्ट लॉस डिफॉल्ट गारंटी। इससे अज्यूम कीजिए एक कंपनी है आदित्य फिनटेक जो HDFC बैंक के साथ पार्टनर करती है। वो उनसे कहती है कि देखिए, हम आपका पैसा लेके कंज्यूमर्स को लोन देंगे जो वो इंटरेस्ट फ्री हमको वापस दे सकते हैं। यहाँ पे जो दुकानदार होता है जो पैसे लेता है, हम उससे 3 से 5% की फी कमाएंगे और ये हमारी प्राइमरी अर्निंग होगी। और अगर कस्टमर ने लेट पेमेंट की तो हम फीस कमा लेंगे। अगर कस्टमर बोलता है मुझे 6 महीने या 1 साल की EMI चुकानी है, तो वहां से हम इंटरेस्ट कमा लेंगे। लेकिन अगर कस्टमर ने पैसे वापस नहीं दिए, तो मैं, आदित्य फिनटेक जो कंपनी है, मैं इन सारे लॉसेस को बेयर करूंगा अप टू 15 या 20%। यानी कि अगर हमने टोटल 100 करोड़ रुपए के लोन दिए हैं, तो 20 करोड़ तक के लॉसेस मेरी कंपनी बेयर करेगी, बैंक के पास जाने की कोई जरूरत नहीं। यहीं पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है। देखिए, पैसे जो है लोन में दिए जा रहे हैं वो बैंक दे रही है। बैंक सिंपली अज्यूम कर रही है कि इस फिनटेक कंपनी ने हमें गारंटी दे रखी है तो हमारे पैसे सेफ ही होंगे। लेकिन बिकॉज ये सारी फिनटेक कंपनीज पैसे बनाने के रेस में है, ये लोग लेफ्ट एंड राइट किसी को भी लोन दे देते हैं और इनकी जो ओवरऑल रिस्क होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। एंड बिकॉज ये सारे लोग बैंक का पैसा यूज कर रहे हैं, इनडायरेक्टली ये सारे रिस्की लोग जिनको लोन दे के रखा है
वो लोग HDFC बैंक के बैलेंस शीट पे होने चाहिए। बट बिकॉज यहाँ पे एक फर्स्ट लॉस डिफॉल्ट गारंटी होती है, ये जो सारी रिस्क है वो ट्रांसपेरेंट तरीके से बैंक तक नहीं पहुंचती। एक्सट्रीमली सिंपल वर्ड्स में सम अप करता हूँ, क्रेडिट कार्ड के सेंस में जो पैसे बैंक आपको देती है वो बैंक के ही बैलेंस शीट पर रहते हैं, उनको पता है वो पैसे का क्या हो रहा है। लेकिन BNPL के केस में जो बैंक फिनटेक के साथ पार्टनर करती है, बैंक को ज्यादा आइडिया नहीं है कि फिनटेक ये पैसे किसको दे रहा है, कैसे दे रहा है, यानी कि फिनटेक बैंक के बैलेंस शीट पे मस्ती कर रहा है। तो अब दो चीजें डिस्कस करते हैं, क्या आपने BNPL सर्विस के लिए अप्लाई करना चाहिए, और दूसरी ये पूरे सिस्टम के लिए कैसे डेंजरस हो सकता है। देखिए, अगर आप एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पर्सन है तो डेफिनेटली आपने BNPL यूज करना चाहिए एज लॉन्ग एज इट एग्जिस्ट। क्योंकि देखिए, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है और आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए तो आपको कोई भी कंपनी क्रेडिट कार्ड नहीं देगी, क्योंकि आपके पास क्रेडिट स्कोर ही नहीं है। तो जब आप एक BNPL सर्विस के लिए अप्लाई करते हो तब ये इजीली आपको 2,000 से 5,000 रुपए का क्रेडिट लिमिट दे देते हैं। अगर आप ये क्रेडिट लिमिट 3 से 6 महीने यूज करो तो आपका क्रेडिट स्कोर बन जाता है, जिसके बेसिस पे आपको कोई भी कंपनी क्रेडिट कार्ड देगी, एंड उसके बाद आप अपनी BNPL सर्विस को बंद कर सकते हो। अब दूसरी बात के पास आते हैं कि ये पूरे सिस्टम के लिए कितना डेंजरस है। जो आपको मैंने मैकेनिज्म समझाया फर्स्ट लॉस डिफॉल्ट गारंटी के बारे में, उससे आप ये चीज क्लियरली समझ गए होंगे कि फिनटेक कंपनीज जो है वो ज्यादा रिस्क लेने के लिए मोटिवेटेड है, क्योंकि उनको ग्रोथ चाहिए, उनको अपने इन्वेस्टर्स को पैसा दिखाना है। तो यहाँ पे ये जब ज्यादा रिस्क लेने लगते हैं तो बैंक का पैसा जो है वो ये दाव पर लगा रहे हैं और सारे लोगों को लोन दे रहे हैं। देखो, अब अगर सारे लोग एक साथ लोन रीपे नहीं कर पाए तो जो बैंक होती है ना, उस बैंक के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ने लगते हैं, क्योंकि बैंक के लिए एक लोन एसेट होता है, यानी कि वो लोन से कमाते हैं, और जब ये लोन पैसे वापस देना बंद कर देता है तो बैंक की अर्निंग कम हो जाती है। और एक चीज आपको बता देता हूँ, बैंकिंग सेक्टर को एक रिपल इफेक्ट इंड्यूसिंग सेक्टर कहते हैं। मतलब बैंकिंग में अगर चीजें बढ़िया चल रही है ना तो पूरी इकोनॉमी में चीजें बढ़िया चलती है, बैंकिंग अगर खराब हो गया ना तो पूरी इकोनॉमी में प्रॉब्लम हो सकती है। एग्जाम्पल देता हूँ, अगर कल को इन सारी फिनटेक कंपनीज की वजह से बैंक्स की बैलेंस शीट खराब होने लग गई तो RBI इंटरवीन करके बोल सकता है नथिंग डूइंग, फिनटेक कंपनीज बंद और इंटरेस्ट रेट हम बढ़ा देंगे। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा लोन लेना मुश्किल हो जाएगा, और जब लोन लेना मुश्किल हो जाता है तो बहुत सी कंपनीज अपने बिजनेस के लिए लोन नहीं ले सकते और इनका प्रोडक्शन कम होता है। जब लोन लेना बंद हो जाता है, आप और हम जैसे लोग क्रेडिट कार्ड यूज करना कम कर देते हैं, पर्सनल लोन लेना कम कर देते हैं, और जब हम ये सारी चीजें कम करते हैं पूरी कंट्री में कंजम्पशन डाउन होता है, और जब कंजम्पशन डाउन होता है तो यही सारी कंपनीज जहां पे हम पैसे इन्वेस्ट करके रखते हैं, इन सारी कंपनीज के प्रोडक्ट्स की डिमांड कम हो जाती है, विच इज वाई पूरी इकोनॉमी में स्लो डाउन आ सकता है। एनीवे, कंक्लूजन सिर्फ ये है कि आप BNPL बिंदास यूज कर सकते हो, लेकिन प्लीज बी वेयर वाइल यूजिंग इट, इसको इररिस्पॉन्सिबली यूज मत करना, एंड प्लीज रेप्यूटेड ब्रांड्स के साथ ही BNPL यूज करना, प्रेफरेबली ऐसे ब्रांड्स जो पूरी तरह बैंक से बैक्ड हैं। यानी कि कुछ बैंक्स जो बहुत ही एस्टैब्लिश्ड और सेफ बैंक्स हैं, इनके भी BNPL सर्विसेज होते हैं, ना कि कोई ऐसी बैंक्स जो सिर्फ फिनटेक के साथ पार्टनर अप कर रही हैं। एंड जैसे ही आपका क्रेडिट स्कोर आ जाता है, आप BNPL सर्विस बंद करके क्रेडिट कार्ड पे स्विच कर सकते हो। तो दोस्तों, ये था मेरा वीडियो ऑन द डार्क साइड ऑफ BNPL। तो अगर आपको इस वीडियो से कोई भी वैल्यू मिलती है तो इसको लाइक कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसा वैल्यूएबल कॉन्टेंट आप आगे भी देखते रह सके। एंड कमेंट्स में मुझे बताइए कि आपको आगे कौन से टॉपिक्स देखने हैं, एंड आई विल मेक इट हैपन। मैं हर एक थर्सडे और संडे को अपलोड करता हूँ, तो बेल आइकन दबा लीजिए सो यू डोंट मिस एनी वीडियोस। मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। आई विल सी यू अराउंड।